हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मेंस ग्रूमिंग मेंस फैशन चैनल। मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है THT हॉर्मोन्स के बारे में। तो अगर आपको भी अपने बालों का ख्याल रखना पसंद है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसा फ्यूचर में कंटेंट मिस आउट ना करो। तो DHT को समझने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेयर फॉल में। कुछ लोगों के जेनेटिक्स की वजह से उनके DHT लेवल्स अननेचुरली हाई हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इस सिचुएशन में भी एक DHT ब्लॉकर एक काफ़ी बेनिफिशियल सॉल्यूशन हो सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, DHT हॉर्मोन्स एक्सेस प्रोडक्शन से आते हैं और इसके अनवांटेड इफेक्ट से बचने के लिए हमें अपने डाइट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमें अपनी डाइट में लाइकोपीन और लाइसिन रिच फूड्स को ऐड करना है जो कि एक नेचुरल वे ऑफ DHT ब्लॉकिंग है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे टमाटर, तरबूज, आम, मूंगफली, बादाम, अखरोट। ऐसे ये कुछ चीज़ें ऐड करने से आपको डेफिनेटली विजिबल रिजल्ट शो होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कई बार डाइटरी सॉल्यूशंस अलोन सफिशिएंट नहीं होते हैं और हमें इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपनी डाइट में चेंजेस लाने के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा HK Vitals DHT ब्लॉकर्स को यूज़ करने का। HK Vitals DHT ब्लॉकर्स में है स्टिंगिंग नेटल एक्सट्रैक्ट्स जो आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। उसी के साथ साथ इसमें है बीटा स्टेस्ट्रॉल जो आपकी एक्सेस DHT को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ इसमें है बायोटिन जो आपकी हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड DHT लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको कंज्यूम करना बहुत ईजी है। हर रोज़ ब्रेकफास्ट या लंच के बाद एक कैप्सूल को पानी के साथ लेना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। आप इसको 2-3 महीने ट्राई करके देखें और आपको खुद को डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे तो हेयर फॉल के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं जैसे कि पुअर ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, बट इनमें से जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है वो है जेनेटिक्स। तो अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स सही हैं और आपके लाइफस्टाइल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके हेयर फॉल का डायरेक्ट रीज़न बने, तो डेफिनेटली आपके जेनेटिक्स हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के पीछे। एंड जेनेटिक्स से मेरा मतलब है आपके भी DHT लेवल्स बढ़े हुए हो सकते हैं। तो अपनी डाइट में DHT ब्लॉकर्स को ऐड करने से आप अपने DHT लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिबल लिंक्स ऐड कर रखी हैं जहां से आप और नॉलेज गेन कर सकते हो DHT के बारे में, तो मेक श्योर यू चेक देम आउट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ, डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बाय बाय।